हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस के सेंटेंस किस प्रकार होते हैं और उनको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक एक नियम एक एक सेंटेंसों के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्य की मूल क्रिया की अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और उसमें समय निश्चित नहीं होता है, तो हम ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद हम फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस के रूप में करते हैं। इसकी अनुवाद करने का नियम ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का मूल रूप, मुख्य क्रिया का मूल रूप रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। हाँ, शैल और विल के लिए नियम ये है कि आई और बी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, जबकि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई दृढ़ निश्चय कार्य करना है, आवश्यक कार्य है, तो ये दोनों एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। कहने मतलब कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में शैल का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन के लिए फिर विल का प्रयोग करते हैं। अब एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊँगा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे क्या, आई शैल गो टू मार्केट। यहाँ देखें कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। हम लोग कई पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट सेवरल लेटर्स, वी शैल राइट सेवरल लेटर्स। वह कल काठमांडू जाएगा या जाएगी, सी या ही, विल गो टू काठमांडू टुमारो, बी ही या सी, विल गो टू काठमांडू टुमारो। यहाँ पर ही और सी थर्ड पर्सन है, इसलिए विल का प्रयोग किया गया है। बच्चे मैदान में खेलेंगे, यहाँ बच्चे भी थर्ड पर्सन है, अर्थात इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन विल प्ले इन द फील्ड, द चिल्ड्रन विल प्ले इन द फील्ड। मैं अगले साल अवश्य पास करूँगा, यहाँ पर अवश्य आ गया, तो मैं के साथ फिर विल का प्रयोग करेंगे। आई विल पास नेक्स्ट ईयर, आई विल पास नेक्स्ट ईयर। अगला देखते हैं, वह मुझसे मिलने अवश्य आएगी, वह मुझसे मिलने अवश्य आएगी। इसका ट्रांसलेशन होगा, सी शैल कम टू मीट मी, सी शैल कम टू मीट मी। यहाँ सी का प्रयोग, जो कि थर्ड पर्सन है, शैल का प्रयोग किया गया क्योंकि यह अवश्य का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का मूल वर्ब, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। जैसे मैं यह काम नहीं करूँगा, या मैं यह काम नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वी शैल नॉट टीच यू, वी शैल नॉट टीच यू। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, द पुलिस विल डू नथिंग, द पुलिस विल डू नथिंग। या इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, द पुलिस विल नॉट डू एनीथिंग। अगला देखें, वह कभी नहीं आएगी, वह बिल्कुल नहीं आएगी, दोनों कह सकते हैं, सी विल नेवर कम, सी विल नेवर कम। या हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, सी शैल नॉट कम, सी शैल नॉट कम। वे लोग गरीबों को नहीं सताएंगे, दे विल नॉट अप्रेस द पुअर, दे विल नॉट अप्रेस द पुअर। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब मूल क्रिया को रखते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ शैल या विल का पहले प्रयोग करेंगे, यहाँ पर तुम के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। क्या हम लोग शास्त्री जी को भूलेंगे, क्या हम लोग शास्त्री जी को भूलेंगे। शैल बी फॉरगेट शास्त्री जी, शैल बी फॉरगेट शास्त्री जी। इसके बाद पढ़ेंगे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि शैल विल का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का मूल रूप रखते हैं। जैसे क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी। क्या हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, शैल बी नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन, शैल बी नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन। क्या आज वर्षा नहीं होगी, विल इट नॉट रेन टूडे, विल इट नॉट रेन
टुडे। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।